नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, मैं अरविंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल पेपर हैकर में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं रोज़ शाम 4 बजे आपको क्लास 10 CBSE की NCERT के ऊपर वर्क करा रहा होता हूं। इस सेक्शन में हमने बेटा बहुत ही आसानी से पूरी NCERT ख़त्म कर दी है। उसको आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर बिल्कुल देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, ठीक है ना। जो कंटिन्यूस मेरी वीडियोस ले रहे हैं वो तो आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे, लेकिन जिन्होंने मेरी वीडियोस को नहीं लिया है वो कृपया करके एक बार ट्राई ज़रूर दें, डेमो ज़रूर लें 3 क्लासेस का। लगभग 14 क्लासेस मैंने किए हैं और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा बेटा वहाँ पर जो आपको समझाया नहीं गया है, ठीक है। तो आप ज़रूर वहाँ पर 2 वीडियोस या 3 वीडियोस का डेमो लीजिए, छोटी छोटी वीडियोस हैं, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं और कैसा पढ़ाने वाले हैं। इसी सीरीज़ में आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। मैं आपको सिर्फ वही चैप्टर पहले पहले करा रहा हूँ जो बच्चों को टफ लगते हैं। ईजी चैप्टर्स तो बेटा आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, और ऐसा मत समझिएगा कि हम नहीं पढ़ाएंगे। ईजी चैप्टर्स आप कहीं से भी पढ़ लेंगे का मतलब ये भी है कि हम भी कराएंगे पहले, लेकिन हम वो चैप्टर्स करेंगे जो लॉन्ग हैं, जो आपको पहले नहीं मिले थे 8th और 9th या 7th में, उन चैप्टर्स को हम पढ़ाने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता तो है, लेकिन 10th क्लास में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें बनते हैं। होते तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लॉजिक बच्चों को समझ में नहीं आते, जिस वजह से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको बहुत आसान वे में समझाएंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से नंबर नहीं कटने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, कठिन बना देते हैं बच्चे, ठीक है। तो कठिन चीज़ को आसान बनाने के लिए हम आपके सामने प्रकट हुए हुए हैं। तो आप बस इस वीडियो से जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, आपसे इतनी ही उम्मीद करते हैं हम। बाकी आप पढ़िए और हम पढ़ाएँ, और कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज बेटा क्या होगा, बेसिकली आपको पता है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन तो कराता नहीं हूँ, मैं सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको आज कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, और उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आप हम देखेंगे आज के बेसिक्स और यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक डायग्राम, ठीक है ना। अगर किसी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कृपया करके वो इस डायग्राम पर ध्यान ना दे, ठीक है ना। उसके लिए हम पहले अलग से पढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ा समझ तो जाए बेटा कि ये है क्या, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या बला है, कहाँ की चिड़िया का नाम है ये। तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है बेटा। आपको ये नेचर है, ये पूरा का पूरा दुनिया जितना भी आसपास हम घूम रहे हैं वो क्या, ये नेचर है, ठीक है ना। उसमें किसी भी चीज़ की लोकेशन को बताना, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को लोकेशन बताना, वो क्या करते हैं, गूगल डाल लेते हैं भाई, गूगल पे भाई क्या चीज़ कहाँ मिल रही है सब देख लेते हैं। तो वो भी क्या कर रहा है, गूगल एक जगह की लोकेशन को बता रहा है। अब ये लोकेशन तो 3D स्पेस की बात कर रहे हैं हम, अगर इसको आप 2D पर ऑन द पेपर अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो आपको 3D नहीं मिलेगा, 2D मिलेगा। सर ये 2D 3D क्या होता है बेटा, 3D वो एक प्लेन होता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जैसा हम लोग रियल लाइफ में जी रहे हैं वो। और 2D में सिर्फ 2 डायमेंशन होती हैं, ये डी जो आप बोलते हैं 3D 2D, इसमें डी जो होता है वो डायमेंशन होता है, ठीक है। तो 2D की बात करें अगर, तो 2D में सिर्फ 2D होंगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको कहीं मिलेंगी नहीं, कि ढूंढने पहुंच गए आपके भाई गूगल पर डाल दिया एक्स एक्सिस कहाँ मिलेगी बेटा, ये इमेजिनरी लाइंस है जो हर जगह होती हैं लेकिन दिखती नहीं है, मान के चलते हैं, और उन्हीं के हेल्प से हम लोग किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं ऑन द पेपर। 3D में 2X का काम नहीं होता, वहाँ पर 3D का काम होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग 2X के ऊपर वर्क करने वाले हैं, एक X-axis और एक Y-axis, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि होते क्या है, क्योंकि पिछला डायग्राम, क्योंकि जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो आपका हल्का सा 9th क्लास का रिविजन करवाने जा रहा हूँ, 5 मिनट मुझे देंगे, उसके बाद हम 10th क्लास का इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको सारी बातें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो होता क्या है, एक एक्सिस हम ले लेते हैं बेटा ये, और एक एक्सिस ले लेते हैं बेटा ये, ओके ठीक है ना, ओके। अब आपको मैं बोलूँगा जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चे, ये कहलाती है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है हमारी वो कहलाती है हमारी वाई एक्सिस, ओके। इतनी बात बच्चों को समझ में आ गई, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन 2 लाइन्स ने एक दूसरे को, ये हो गया बेटा हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड,
और ये हो गया हमारा फोर्थ। ओके, आप कहेंगे सर इधर से शुरुआत क्यों कर रहे हैं आप। बेटा अगर आपने 9th क्लास में एंगल का मेजरमेंट पढ़ा है तो आप देख पाएंगे कि हमें एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना होता है, ना कि क्लॉकवाइज। तो जब आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और हमारी नॉर्मली साइड्स क्या होती हैं, हम एक्यूट एंगल से लेना शुरू करते हैं एंगल्स को। तो हमारा एंगल पहले ये वाला आएगा, ये वाला या ये वाला बच्चे, पहले हमारा ये वाला। अरे नीचे हो गया बेटा, कोई बात नहीं, ऊपर कर लेंगे इसको, बिटाल देंगे। चलो भाई आप जाइए, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। अगर इस एंगल की बात करूं मैं तो ये पहले एंगल बनेगा, ये तो पहले बेटा ये वाला एंगल बनता है, उसके बाद ये वाली साइड जो है ये और फैलती जाती है, तब ये वाला एंगल बनता है, ठीक है ना। तो पहले ये एंगल बनेगा, तो पहले क्वाड्रेंट भी अगर यहाँ पे कोई लाइन होगी तो इस तरीके से होगी, ये एंगल पहले बनेगा, तो पहला क्वाड्रेंट यहाँ पे लिया जाता है, ना कि यहाँ से, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि आपको वैसे इस बात की कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं हमने आपको समझा दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से लिया क्यों गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने यहाँ से ले लिया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर्स प्लॉट होते हैं, आपको ये चीज़ें याद करनी है, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है बहुत बड़ा कि मैं क्या कैसे हुआ, आप बस मेरी बात को अपने दिमाग में बैठाइए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसके राइट हैंड साइड में जाते हैं तो जो नंबर्स होते हैं बेटा वो पॉजिटिव होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी के आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो नंबर्स आपके -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन चलती रहेगी बेटा। आपने नंबर लाइन तो पढ़ी होगी 5th में, 6th में, 7th में, थोड़ी बहुत नॉलेज तो रही होगी, बहुत नॉलेज होगी, ठीक है। तो ये नंबर लाइंस ही हैं जो दो डायमेंशन में क्रॉस कर रही हैं। अब आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि ये कुछ और नहीं है, एक्स एक्सिस क्या है सर, बेटा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक नंबर लाइन है जो एक वर्टिकल खड़ी हुई है और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ओके। बस इन दोनों का क्रॉसअप करा दिया गया है। उसके बाद क्या करेंगे, अब अगर वाई एक्सिस की बात करें तो जब आप ऊपर जाएंगे तो बेटा कभी नेगेटिव होगा, कभी आप ऊपर जाएंगे जिंदगी में, जीवन में तो कभी नेगेटिव होगा क्या, वैसे यहाँ पर समझ सकते हैं कि वाई एक्सिस में जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो नंबर पॉजिटिव होंगे, और अगर आप नीचे आएंगे तो क्या होगा बेटा, बोलो बोलो नीचे। अब भाई पॉजिटिव ऊपर हो गया तो नीचे क्या रहने वाला है बेटा, सब में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई सर, आप ये कर क्यों रहे हैं बेटा, आगे चल के कुछ पॉइंट्स दिए हो करेंगे हमें, उनको भाई प्लॉट करना आना चाहिए, तो मैं आपको पहले प्लॉट कराना सिखा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, किधर को पॉजिटिव किधर को निगेटिव। एक्स एक्सिस अगर राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव। वाई एक्सिस में ऊपर जाएंगे, अप साइड जाएंगे नॉर्थ में तो पॉजिटिव, और नीचे जाएंगे तो निगेटिव, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको एक पॉइंट दिया होता है, ठीक है ना बेटा, मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक पॉइंट दिया होता है जहां पर एक चीज लिखी होती है एक्स, एक चीज लिखी होती है वाई, क्योंकि यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ दो ही एक्सिस हैं, तो हमें भी सिर्फ दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है कोई भी पॉइंट यहां पर प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म होती है वो रिप्रेजेंट करती है बेटा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब और कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है कि सर एब्सिसा क्या आ गया बेटा, एब्सिसा वो चीज है जो एक्स पर प्लॉट होने के लिए यूज होगी, ठीक है। और इसको हम कहते हैं बेटा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, आप गलती से भी इसको कोऑर्डिनेट मत बोल दीजिएगा, कोऑर्डिनेट तो बेटा पूरी ज्योमेट्री है, ये ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ कंबाइन ईच अदर एंड फॉर्म्स अ पॉइंट विच वी विल बी प्लॉटिंग ऑन दिस प्लेन, ओके। इसको हम प्लॉट करने के लिए पॉइंट की जरूरत पड़ती है, और पॉइंट को बनाने के लिए हमें एक एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट चाहिए, एक वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ओके। इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको। अब इसकी जगह पर एक्स वाई तो हमने लेट किए हैं, इसकी जगह पर रियल नंबर्स तो होंगे कुछ, हमें जो 1, 2, 3, 4, -1, 2 इस तरीके के नंबर होंगे, तो एक्स वाई हमने जनरल फॉर्मूला बना लिया है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कोई भी पॉइंट ले लूँ कि भाई आपको मैंने कहा कि आप प्लॉट करके दिखाइए a 2, 3, दिख रहा है बेटा आपको 2, 3 बिल्कुल दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर 2, 3 अभी लीजिए। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, मैंने अभी आपको बताया ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को, एब्सिसा है ये बेटा, एब्सिसा।
एप्स अगर आप देखें तो बेटा कहां पे टू आएगा, यहां पर। ओके ये आ गया आपका, ओके। और वाई एक्सिस पे कितना लेना है बेटा, ऑर्डिनेट कितना, थ्री। तो बेटा ये हो गया हमारा थ्री, ठीक है। अब आप कहो सर पॉइंट एक है और प्लॉट सर दो जगह पे हो रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो बेटा ऐसा करना ही नहीं है, आप पूरी बात सुनिए उसके बाद डिसाइड करना है क्या करना है। आप क्या करेंगे, अब या तो एक बच्चा कहेगा सर इनको दोनों को जोड़ देना है पॉइंट बन गया, नहीं बेटा आप क्या करेंगे इससे एक परपेंडिकुलर गिराएंगे यहाँ पर और एक परपेंडिकुलर यहाँ से गिराएंगे, ओके। जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रही होगी लाइन, वही पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, ए पॉइंट कहलाएगा 2, 3। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। उसी पॉइंट को हम कहेंगे 2, 3। अगर आपसे कहे कि भाई, अब आपसे क्या कहेगा बेटा, अब आपसे कहेगा सर बी पॉइंट लीजिए एक, क्या लीजिए, मतलब कि एक नया पॉइंट लेंगे, ए ले लिया हमने, बी पॉइंट लेके देखते हैं 3, -4, है ना। सारे पॉइंट्स आपको मैं सिखा दूंगा कि क्या होते हैं। थ्री बेटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब इधर चलेंगे, तो थ्री आ गया यहाँ पर, और -4 बेटा वाई एक्सिस पर होता है, नीचे चलेंगे क्योंकि ऊपर 4 प्लस के होते हैं, -4 नीचे का होता है। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे और 3 से यहाँ से गिराएंगे, ये यहाँ पर एक दूसरे को कट करेगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा क्या बेटा, बी। ऐसे आप सारे पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं बेटा, बहुत ही आसान है, ठीक है ना, पॉइंट प्लॉट करना आ गया। अब आपसे एक बात कही जाएगी, अब चलते हैं अपनी फिगर की तरफ, ठीक है। ये हमारी फिगर आ गई, बहुत बढ़िया सी है, ठीक है। आपसे कहा गया भाई सी पॉइंट प्लॉट करिए 4, 2, ओके। आपसे कहा गया 4, 2 प्लॉट कीजिए, तो बेटा 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, एप्सिसा को, ठीक है ना। तो एप्सिसा बेटा कितना चल रहा है हमें यहाँ पर, एप्सिसा हमें चलना है बेटा 1, 2, 3, 4, ये हो गया, ठीक है ना। 2 हमें ऑर्डिनेट पे चलना है, तो 2 हो गया बेटा ये। अब इन दोनों को मर्ज कैसे करेंगे बेटा, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, और एक यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, जहाँ पर ये कट करेंगे एक दूसरे को, ये जो पॉइंट है ना इतना बड़ा सा मैंने बना दिया आपके सामने, यही पॉइंट है कौन सा, सी पॉइंट, ओके। ये आपका हो गया सी पॉइंट, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा आपको यहाँ से, है ना। अगर आपसे कोई कहे डी पॉइंट बना के दिखाइए 3, -2, या फिर दोनों माइनस ले लेते हैं इस बार, तो अगर ऑर्डिनेट, अगर एप्सिसा हमारा माइनस का है तो हमें इधर नहीं जाना होगा, अब इधर जाना होगा, कितना जाना है बेटा 1, 2, 3, ये हो गया, और हमें -2 जाना है ऑर्डिनेट में, तो बेटा -2 यहाँ। अब इन दोनों को मर्ज कैसे करेंगे आपको पता है, एक बेटा क्या करेंगे परपेंडिकुलर यहाँ से कराएंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेगा, यही कौन सा पॉइंट होगा बच्चों, डी पॉइंट होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब कोई अगर आपसे कहे कि भाई आपको ई पॉइंट प्लॉट करना है, जिसमें आपको लेना है -5, -6, ठीक है ना। अब आप लोग देखिए, अब आप लोग इसमें कंफर्टेबल हो गए होंगे कि सर कैसे करना है ये, ठीक है। करना क्या है, एप्सिसा लेना है -5, तो बेटा -5 मतलब इधर या इधर, बिल्कुल इधर, क्योंकि माइनस आपको दिख भी रहे हैं, माइनस नंबर्स इधर होते हैं एक्सेसिस के, -5 का मतलब है यहाँ पर, और 6 बेटा ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट कहाँ जाना पड़ेगा, प्लस का है, माइनस का होता तो नीचे जाते, प्लस का है तो ऊपर जाएंगे, तो बेटा कितना आएंगे, जाएंगे ऊपर 6 तक, ठीक है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ताकि किस पे कट करे वो, -5 पे। तो ये जो पॉइंट बनने वाला है यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा हमारा बेटा, -5, 6, और इसका नाम क्या दिया हुआ है मैंने, ई। तो बेटा आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान लग रही है ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं एक नया लॉजिक पढ़ाने वाला हूँ, जो अब इस, अब रुक, अब देखो बेटा बेसिक है तो बेसिक तो पढ़ लिया ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही होगा ट्रिकोणमिति और कुछ होगा ही नहीं, तो धीरे धीरे में आगे भी बढ़ना जाना है, ठीक है, आगे ही भी बढ़ते जाना है हम लोग को, ठीक है ना। तो इसको हम हटा देते हैं अब यहाँ से, ओके, चलो आ जाओ ज़रा। अब आपको एक नेक्स्ट, जिसका इस चैप्टर में बहुत यूज होना है, सीधे सीधे बार 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 आपको वो लॉजिक समझ में आना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, उसको मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो होगा क्या, आपको बार बार क्वेश्चन में कहेगा कि पॉइंट इज ऑन
पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, या आपसे कहेगा पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस। ये दो बातें आपको क्वेश्चंस में बार बार दिखेंगी बेटा, ठीक है ना। ये दो बातें आपको बार बार क्वेश्चन में रिपीट होते हुए मिलेंगी, तो इनका यूज क्या करना है वो आपको समझाते हैं। अगर बेटा कोई भी पॉइंट ए एक्सिस पर है, एक्स है, क्या लिखा है बेटा ये, कोई बात नहीं, ये जो है बेटा इसको हटा देंगे। अरे हट जा भाई, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा, मुझे आप बताइए, अगर बेटा एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना है, अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेना है, तो क्या उसका वाई ऑर्डिनेट होगा या नहीं होगा, आप सोच के बताओ। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। अगर अगर मतलब एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना है हमें, तो क्या उसका ऑर्डिनेट होगा प्लस का या माइनस का, कुछ भी होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर जरा सा भी ऑर्डिनेट होगा तो पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ 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 कहीं भी आ जाएगा, लेकिन इस पर नहीं रहेगा। लेकिन हमें लेना किसके ऊपर है, हमें लेना है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो पॉइंट में ये गारंटी है कि एक्स तो कुछ भी हो सकता है, +2 -2, +3 -4, 5 -5, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई की गारंटी है वो जीरो होगा। तो आप बेटा बहुत बार यूज होगा, जब मैं खुद कराऊंगा तब तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ सब बार बार यूज हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई पॉइंट लेना होगा एक्स एक्सिस पर, तो उसमें एक्स की वैल्यू तो होगी, वाई की वैल्यू बेटा नहीं होगी। उसके बाद अगर आप बेटा यही लॉजिक यहाँ पर लगाएं वाई एक्सिस पे, तो आप देख पा रहे होंगे बेटा, अगर कोई पॉइंट आपको यहाँ पर लाई करवाना है, तो क्या होगा, आपका पॉइंट यहाँ पर लाई करना चाहिए, ठीक है। तो आपका अगर पॉइंट यहाँ लाई तभी करेगा जब उसका एक्स ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, बिल्कुल खत्म हो, एक्स बिल्कुल हो ही ना, तो एक्स जीरो हो और वाई कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो ये लॉजिक आपको समझ में आया है ना, बहुत ही आसान है बेटा, टफ बनाने की बिल्कुल भी जरूरत उसको है नहीं, ठीक है। हम इसी वे में पढ़ेंगे, जैसे कि बिल्कुल पहले बेसिक समझ लेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझ लेंगे 10th क्लास में क्या यूज हो रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन इतने आसान हो जाएंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लोग गलती क्या करते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, सीधे क्वेश्चन एक्सरसाइज ओपन कर लेते हैं, फिर जहां तक क्वेश्चन हुए बहुत अच्छी बात है, और जहां से खत्म हुए मैथ्स बहुत हार्ड है, हमसे नहीं हो रही, ठीक है। ये बात बहुत गलत है, पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको बेटा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे, इसके अगले को पार्ट पे, ठीक है। अगला पार्ट क्या कहता है, जो आपकी मेन एक्सरसाइज है, आपकी ये जो एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि हमें तो पास तो हमें 10th में करना है ना, जो 9th का पढ़ लिया हमने, क्योंकि जिसको पता नहीं था उसको मैंने बता दिया बेटा एक लॉजिक की तरह। अब हम क्या कहेंगे आपसे, अब चलते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट पार्ट पे, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, इसकी बात हम करने वाले हैं, ओके। तो बेटा आपसे अगर कहा जाए कि मुझे 5 मीटर इधर जाना है, 4 मीटर उधर जाना है, 3 मीटर उधर जाना है, तो आप मेजरमेंट कर लेंगे डिस्टेंस को, एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। रियल लाइफ में अगर मैं बात करूं, मैं आपसे कहता हूं कि कोई ए अगर यहाँ पर रहता है और बी जो है वो पहले तो 4 मीटर ईस्ट है उसके, ठीक, और 3 मीटर नॉर्थ है, तो आपसे कोई कहता है बताओ इन दोनों के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस कितना होगा डायरेक्ट, तो बच्चा कहेगा अरे सर नॉर्थ और ईस्ट में बिल्कुल क्या होता है 90 डिग्री बनता है, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कर दूंगा और ये 25 का √5 आ जाएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी ठीक है, लेकिन ये कहाँ चलता है, ये रियल लाइफ में चलता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी चलता है, वो छोड़िए उसको, ठीक है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें इस चैप्टर की मेन रीढ़ की हड्डी पकड़नी है, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो करना क्या है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं चलेगी, यहाँ पर एक डिफरेंट फॉर्मूला आता है उसको हम पढ़ाएंगे आपको, जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला, नाम ही उसका डिस्टेंस फॉर्मूला है बेटा, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, इस पर ही आ जाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि अगर कोई पॉइंट आपको दिया हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है x2 y2। सर ये x2 y2 क्या होता है बेटा, ये रियल नंबर्स ही होते हैं, यहाँ पर लेट कर लिया है x2 और y2। मान लीजिए कोई और पॉइंट है यहाँ पर x1 y1, आप ये बिल्कुल दिमाग में मत बैठाइएगा, दोनों एक ही क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, सबके ऊपर ही सेटिस्फाई करेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, df लिख देंगे इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है बेटा अंडर रूट, अंडर रूट लेंगे पहले तो आप, ठीक है। क्या होगा,
आप जो एक्स टू, किसी को भी आप कहें सर ये एक्स टू है इसको नहीं ले सकते, आप इसको भी एक्स टू वाई टू ले सकते हैं, इसको एक्स वन वाई वन ले सकते हैं, आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। तो करना क्या होता है, एक एक्स टू से इसको माइनस कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस वाई टू को माइनस कर देंगे वाई वन से, ठीक है ना। ओके, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। ओके, तो करना क्या है आपको, यहाँ पर इस फॉर्मूले को दिमाग में अच्छे से याद कर लेना, पूरी पहली एक्सरसाइज खत्म अगर आपने ये फॉर्मूला सीख लिया, ठीक है ना बेटा। ये फॉर्मूला सीखते ही पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ओके। आपको दो पॉइंट दिए होंगे, 4.6, 8.9 कुछ भी दिया होगा, उसमें आप एक पॉइंट को एक्स टू वाई टू मान लेंगे, दूसरे पॉइंट को एक्स वन वाई वन मान लेंगे, उसके बाद एक्स टू में से वाई एक्स वन माइनस कर देंगे और वाई टू में से वाई वन का स्क्वायर कर देंगे माइनस करके। तो ये क्वेश्चन मैं जब कराऊंगा आपको बहुत अच्छे से रिपीट होने वाला है, अब भी आप बस उसको देख लीजिए, ठीक है ना। पूरा बेसिक्स आपको समझा दिया है ये क्या होता है, पूरा अटरम शटरम जो भी है पोस्टमार्टम कर दिया है इसको मैंने, ठीक है ना। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से और देख लीजिए एक बार, आपके सामने स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका, ठीक है। अब आप मेरे को, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, कुछ मुझे होमवर्क देना है आपको हल्का सा। आप क्या करेंगे, ट्राइंगल स्क्वायर रोम्बस, क्या बोला मैंने, ट्राइंगल स्क्वायर रोम्बस, इन तीनों की आप क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि साइड इतनी होती है, कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं या 90 पर काटते हैं, सब बाइसेक्ट करते हैं हाफ में, ये थोड़ा सा आप लोग देख कर आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आप पहले से थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थोड़ा सा टॉपिक हटके है वो, तो अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से समझना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि ट्राइंगल स्क्वायर और रोम्बस, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि इनकी साइड्स इक्वल होती हैं या 90 पर नहीं होती हैं, जो भी होती हैं थोड़ा सा देख कर आएंगे। बाकी मैं तो खुद कराने वाला हूँ आपको कल, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो वो इसके क्वेश्चन मत करिएगा, इसके क्वेश्चन तो हम यहाँ खड़े हुए हैं आपको एक एक क्वेश्चन कराने के लिए, लेकिन आप अगर चाहें तो उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, आपको इंट्रोडक्शन करा दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, पूरा आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में सबसे पहले ही नाम मेरा मिल जाएगा आपको, उसके बाद 1, 2, 3, 4 पूरी 14 शायद 15 लेक्चर्स मेरे पड़े हुए हैं। आपको हो सकता है लगे कि सर इतने लेक्चर्स में कहाँ पढ़ेंगे, इतना टाइम हमें कहाँ है हमारे पास, तो बेटा आप खुद के लिए टाइम नहीं दे सकते तो दूसरा भी आपके लिए कभी टाइम नहीं देगा, ठीक है ना। आप खुद के फ्यूचर के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो बहुत बहुत दिक्कत है फिर तो, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिएगा कि उसको देख लीजिए, आपको समझ में आएगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से वहाँ पर सब कुछ समझाया है एक एक क्वेश्चन, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी आज से स्टार्ट हो रही है, जैसा मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी एक एक क्वेश्चन कराया आपको, एक भी स्किप नहीं किया, वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहे वो कितना भी कठिन हो कितना भी आसान हो, मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करता हूँ, सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप इस वीडियो से और हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, आपका सपोर्ट बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में यही चल रहा होता है कि कितने बच्चे में सपोर्ट कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आपको सपोर्ट होगा उतना यहाँ पर कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हल्का सा रिव्यू ले लीजिएगा अपनी बुक से, आपके पास बुक्स होंगी अपनी अपनी, एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी, जिससे भी पढ़ना है, ठीक है, उससे आप हल्का सा रिव्यू ले लेंगे। और जो मैंने तीन आपको शेप्स बताई हैं, ट्राइंगल, रेक्ट और स्क्वायर और रोम्बस, इनका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा पढ़ के आएंगे और कल की वीडियो को हम इसके आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और भविष्य में कुछ अच्छा बनने के लिए आज कुछ मेहनत करने का सोचिएगा। कल जो हुआ कोई मतलब नहीं, आज जो हो रहा है सबसे इम्पोर्टेंट बेटा वही है, वही डिसाइड करने वाला है आपका भविष्य कैसा होने वाला है, फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा इसकी वीडियो में, कल हम मिलेंगे और इसके आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला वहाँ पर लिख दिया है मैंने यहीं पर, इसको कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।